Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Sahil Farooq. And my name is Sabi Sohail. So guys, आज हम get करेंगे एक BTS के एक और members पर जिनका नाम है Kim, नाम जून जिनके stage name है जिनका RN. और ये हमने ली है. और ये हमने ली है Kink Silks के channel से जिसकी original link आज यूज़ हम description box में डाल देंगे. और Kim नाम जून की बहुत अरसे से requests आ रही थी like we are reacting on Jin, Jimin. और जांगकुक हम इन पे रिएक्ट कर रहे थे तो बीच में किम नामजून की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो हम चाहते हम सीक्वेंस सब पे है जैसा सीक्वेंस गूगल ने हमें दिया है तो हमें ना चाहते हुए अभी सुगा को स्किप करके किम नामजून पे आना पड़ा बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट. सो ये वीडियो हम बता चुके हैं हमने कहाँ से लिया ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए बिकॉज वी आर जस्ट आई थिंक सो 40 टू 45 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 1000 और हम चाहते हैं कि आजकल भी आप हमारे जो 45 सब्सक्राइबर्स हैं पूरी होने तक हमें 1000 की जहाँ एक माइलस्टोन है बहुत मुश्किल होता है एक न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत से लोगों के एक दिन में लाखों में उठते होंगे लेकिन हमारे लिए 1000 क्योंकि पहला माइल हार्डेस्ट स्टेप तो आप हमारी मदद करें 1000 कंप्लीट करने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो लेट्स बिगिन एक्सप्लोरिंग किम नामजून अनदर मेंबर ऑफ बीटीएस. दो तीन वीडियोस में इसके आगे का ना इयर रिंग्स बहुत छोटे हैं लेकिन चेन इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है. वाओ ये कलर कितना मजे का था यार इनकी आंखों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था यार कितने सिंपल लग रहे हैं I like his outfit. His outfit बहुत अच्छा है. एक सिंपल कपड़ा में डिफरेंट पर्सनैलिटी लगती है लुक डिफरेंट आती है उनकी. He's a very tall person, huh? Handsome. Oh. Slow-mo. Look at his chains. His chains are very good. They are very big. Their collection is very big. Accessories. Yakeenan. No doubt, the rest of his members use a lot of accessories. But he used too much accessories. चेन बहुत प्यारी लग रही है भाई. ये एक वक्त में साथ वीडियो करने को तो मतलब एक वक्त में ये लोग साथ मतलब इतने क्यूट भी लग रहे हैं लेकिन इतने मतलब वैसे ना क्यूट लुक. हाँ I want to see all white dress.
हम लाइक बाकी सब मेंबर्स को व्हाइट ड्रेस में देख सकते हैं कि ना वो है ड्रेस एक झलक थी लेकिन अच्छी थी आगे से कोई वो था क्या बोलते हैं उसको मुझे लगा ये क्राउन है बहुत अच्छा लग रहा है मास्क जिससे पार्टी से पहन जाते हैं ना वाओ लॉन्ग कोट ये हेयर बहुत अच्छा लग रहा है स्माइल कितनी अच्छी लग रही थी डिंपल वाली वाह लास्ट लुक जो आई थी बहुत अच्छी थी ये ड्रेस वाली इन बीडीएस मेंबर्स की एक बहुत चीज अच्छी है स्माइल सबकी बहुत प्यारी है यार छोटे पा बड़े प्यारे लग रहे हैं इन पे बहुत क्यूट लग रहे हैं व्हाइट कलर बहुत जचता है सब पे जचता है व्हाइट कलर मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि जानको ये जिम्मे नहीं है या फिर नाम जो आ रहे नहीं है और सेम के नाम है उसके साथ उन्हें डिफरेंट ड्रेसिंग की है वाओ कि मेरे जिम जुए नहीं आया मैं जनरल असेंबली में वाओ बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वाह मुझे बात शुरू करें तो इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये मतलब ना बहुत मतलब क्यूट भी लगते हैं इसके अलावा इनके आई मूवमेंट ही बहुत मजे की है ही सो क्लासिक जो कूल बच्चे होते हैं क्लास के जिससे और उनकी इनकी एक्सेसरीज इनके मैंने इनकी इयररिंग्स नहीं देखी मतलब जो कान में पहनते हैं वो मैंने इनकी इतनी नहीं दिखे क्योंकि इनके जो गले में पहनने वाले जो चेन थी जो लॉकेट थे वो इतने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे टू सम पॉइंट थिंकिंग कि यार इतना हैवी चेन कैसे पहनना होगा गला ऐसे नहीं हो रहा होगा देन आई थॉट कि जो ओरिजिनल एक्सेसरीज होती हैं बहुत लाइट वेट होती है वो दिखने में हैवी होती है पर ओरिजिनली हैवी नहीं होती
और मुझे मैंने देखा कि शायद ही जनरल असेंबली में यूएन में स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे सब मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं मुझे जो मैंने समझ में आया कि शायद वहाँ पे स्पीच कर रहे थे, और वहाँ पे मेरे ख्याल से मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज के ही खड़े हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात है कि इनको वहाँ पे बुला के इनकी इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मुझे पता है कि इन्होंने बहुत से ऐसे इश्यूज पे मतलब आगे बात की होगी वहाँ पे जो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर पाते, बिकॉज एज फैक्टर भी होता है। और इनको देखा कि मैंने कि ना इनके ज्यादा बाल व्हाइट है, मैंने पर्पल देखे हैं ना, और मैंने इनको सूट कर रहे थे, और इनको व्हाइट कलर सभी के मुताबिक बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा व्हाइट कलर इनका। मुझे तो व्हाइट कलर बीटीएस के तमाम मेंबर्स पे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट कि ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट व्हाइट इनके लिए लाइक मेड फॉर इट वाला कलर था तमाम बीटीएस मेंबर्स के लिए। डिस्पाइट इनकी स्माइल बहुत अच्छी थी, डिम्पल स्माइल एज अदर बीटीएस मेंबर्स हैव, और बट इनकी खसूसियत जो ताहिर ने बता दी है, एसेसरीज, इनकी एसेसरीज की चॉइस बहुत डिफरेंट थी बाकी मेंबर्स से। लाइक हमने बाकी बहुत से मेंबर्स पे रिएक्ट किया, लेकिन सब ना सिंगल चेन्स पहन के आते थे, लेकिन ये कुछ ड्रेसेस पे डबल ट्रिपल चेन्स भी पहन के आते, लाइक एक जो नेक के साथ, एक थोड़ी सी लंबी, एक उससे लंबी, एक उससे भी लंबी। एक जो सबसे पहले वीडियो चली थी जिसमें ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, थोड़ी लॉन्ग शर्ट थी, उसके साथ जो एसेसरीज लंबी डाउन पहनी डाउन द नेक एसेसरीज थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और जो थर्ड पॉइंट है इनका कि इनकी ग्लेजिंग पावर बहुत तेज़ है, ये बहुत कह रहे डीप और शार्प आई कांटेक्ट बनाते लाइक बहुत बड़ी चीज़ है किसी के साथ पक्का वाला आई कांटेक्ट बनाना। जिस तरह वो पलकों की मूवमेंट करते हैं, आई मूवमेंट का कि स्टेयर करते हैं, ग्लेज करते हैं दूसरे बंदे को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनके कपड़े भी बड़े मजे के थे वैसे, उसके अलावा जिस तरह वो फंकी कपड़े होते हैं, इनके पैटर्न्स, इनको पैटर्न्स बहुत पसंद है ऊपर कपड़ों के, जितने शर्ट्स कैजुअल शर्ट्स पहनते हैं, मुझे वो उनकी बहुत पसंद है। पर्सनली वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी, वो लाइंस वाली। सो गाइस प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बस 14 या 45 सब्सक्राइबर्स, 47 सब्सक्राइबर्स हाँ पीछे हैं अपने 1000 से, क्योंकि हम आप लोगों को फनी लग रहा होगा बट इट्स आवर फर्स्ट टाइम, एंड ऑब्वियसली एक से बढ़ के दूसरा एम आता है, और एंड ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप टू अचीव, और हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स कर ले, एंड वी होप सो कि वो जल्द से जल्द आप हमारी मदद करेंगे पूरी करने में। एंड एट द लास्ट ताहे क्या कहना चाहोगे? और ये लिस्ट नहीं है, सबसे पहले आता है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी तबीयत भी ख़राब है बिकॉज द वेदर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, एंड वी शुड प्रे के आगे रेन हो जाएगी, रेन होगी तो फिर जो डिजीज वो ख़त्म हो जाएंगे, इनका जोर ख़त्म हो जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।